नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल नाउ 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। दिल्ली का मोस्ट वांटेड बदमाश शक्ति नायडू मंगलवार को कंकरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली का वह शिकार हुआ। फायरिंग में गोली लगने से सीओ दरोला भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये वही शक्ति नायडू है जिसने चार साथियों के साथ कुछ दिन पहले दिल्ली के एसीपी की हत्या की सुपारी ली थी। एसीपी की हत्या कौन करेगा, इस बात के विवाद पर बदमाशों में आपस में ही गोलियां चल गई थी जिसमें चाचा भतीजे घायल हो गए थे। बाद में उनकी मौत हो गई थी। शक्ति नायडू 1.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। पुलिस के अनुसार मंगलवार को दिल्ली देहरादून हाईवे से इस गैंग के लोग कार लूटकर भागे थे, जिनकी लोकेशन कंकरखेड़ा थाना इलाके के वैष्णो धाम के पास ही आग सिटी कॉलोनी में मिल रही थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद कॉलोनी के एक मकान के अंदर से पुलिस पर फायरिंग होनी शुरू हो गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जब कमरे से गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई तो पुलिस ने जाकर देखा तो दिल्ली का शिव शक्ति नायडू घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया तो वहां उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि 6 साल पहले लाजपत नगर दिल्ली में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा से 8 करोड़ लूटने के बाद शक्ति नायडू चर्चाओं में आया था। इससे पहले वह कपड़े का कारोबार करते करते डॉन बन चुका था, लेकिन हर बार दिल्ली पुलिस को चकमा दे देता था। राजकुंद्रा से लूट के मामले में नायडू पर मकोका लगा था। वह 6 साल जेल में रहा, लेकिन उसने खुद को नहीं बदला। नायडू की पत्नी उसके लगातार संपर्क में थी। उसके पेरोल पर बाहर आने के बाद अपराधियों ने दिल्ली में जश्न मनाया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। दिल्ली में कई गैंग वॉर में भी नायडू की अहम भूमिका रही है। नायडू सुपारी लेकर हत्या करता था। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के एसीपी को नायडू की मुठभेड़ में मौत होने की जानकारी दी गई। एसीपी ने कहा कि वह बड़ा अपराधी था, उसके अभी और साथी हैं जो दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं। दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश में लगी थी। वहीं पुलिस ने शक्ति नायडू की मौत के बाद उसकी पत्नी को इसकी जानकारी दी। नायडू की पत्नी परिवार के साथ मेरठ पहुंच गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ग्लोबल नाउ 24/7। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।